बोर्ड से मैं कहां था बस बस मैं से पार्टी वर्क कर रही था फिर सर मैं यही मैं ना काफी नहीं दे रही हां काफी सुन रहा हूं इतना ही होड़ी बस यारा शुक्र बस लगा दो और बुरहान क्या बताएंगे आप हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम को लेकर, और आज जो एक्सीडेंट हुआ उसमें हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी के एम्प्लॉयज और एनओज जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का। जब भी यहाँ एक्सीडेंट होता है तो जब यहाँ पे जो है वो बॉडीज लाई जाती हैं तो उनको ट्रीटमेंट जब करना होता है तो यहाँ पे जो है स्टाफ जो है हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन हमें वही एचडीएफसी और एनओज और इसके अलावा जो लोकल एनजीओज है यहाँ पे वही हेल्प करते हैं, वही पटिया शटिया बांधते हैं, तो हमें यहाँ पे जो है यहाँ का स्टाफ कहीं दिखता नहीं है। जो कि यहाँ पे दावा किया जाता है कि हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड हो रहा है, दिन ब दिन जो है यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी है यहाँ पे लोगों के लिए, लेकिन ये सब फजूल है। हम ग्राउंड सिचुएशन पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, यहाँ पे जो है एक सियासत का अखाड़ा बना चुके हैं ये लोग। मेडिकल असिस्टेंट जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे लोकल पे ही लोकल एनजीओज के लड़के मिलेंगे, और इसके अलावा जो एसडीएफसी और एनओज जो आपने भी देखा यहाँ पे सब पब्लिक ने देखा कि वही जो है पट्टियां शटियां बांध के उनको जो है यहाँ से रेफर करते हैं। काफी पोस्टें भी यहाँ खाली हैं, किस तरह के आप चाहते हैं यहाँ पर जो है वो इंतजाम होने? जी देखिए, यहाँ पे एनेस्थीसिया जो है वो एक ही जो है मैडम अवेलेबल है, तो वो भी कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर्स का जो है अवेलेबल होना चाहे एनेस्थीसिया हो, इसके अलावा राउंड द क्लॉक जो है हर डॉक्टर्स का 24 आवर्स यहाँ पे इमरजेंसी में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। हाँ, कुलीगढ़ इंसिडेंट के बारे में हम ये जो है यहाँ पे देखिए वो एक मौत का कुआं बन चुका है, आम आवाम भी चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे इस पर कोई सियासत नहीं है, बल्कि ये है कि उसको जो है रिपेयर किया जाए। हम गवर्नर से अपील करते हैं, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी जो यहाँ पे दावे करती है डेवलपमेंट की, वो क्या ये क्या, बल्कि मौत का कुआं बन चुका है, हजारों लाशें हमने वहां से अभी तक उठाई है, तो हम ये जो है आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं कि कुलीगढ़ को जो है फौरन से रिपेयर करना चाहिए। कितने लोगों को आज शिफ्ट किया और कैसे किया? दो क्रिटिकल थे, उनको जो है हमने एक क्रिटिकल केयर ही एक ही अवेलेबल थी, और दूसरे को जो है हमने सिंपल जो एम्बुलेंस थी, अब अल्लाह बेहतर जाने वो कहां तक पहुंचेगा, तो उस पर हमने उसको रेफर करा दिया। हालांकि उसके लिए चॉपर्स का होना यहाँ पे बहुत जरूरी था, लेकिन चॉपर भी अवेलेबल नहीं है, जो कि दावे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कि चॉपर होगा, वो होगा, ये होगा। हम ये भी चाहते हैं कि जब भी एक्सीडेंट हो, यहाँ पे हेड इंजरीज के केसेस आते हैं, चॉपर का होना बहुत जरूरी है, वरना चॉपर के बगैर जो है वो हम इंजर्ड को जम्मू तक पहुंचाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन हो जाता है। Thank you.
जो किश्तवाड़ सेल्फ इंजीनियर मेडिकल पीएचसी जो है हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल, मैं इसमें गया था मरीजों को देखने के लिए, क्योंकि दो दिन से रोडें बंद हैं, मुश्किल हैं लोगों को। और इसमें देखा कि एक दो स्टाफ से जो यहाँ डिस्कशन हुई तो इसमें एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं इनके पास, रेडियोलॉजिस्ट नहीं इनके पास, और डॉक्टरों की बहुत सारी कमी है बहुत। इसी तरह से यहाँ आज किश्तवाड़ के जो हॉस्पिटल छात्रों में वहाँ सुविधाएं कुछ भी नहीं है। ठाठरी ट्रामा हॉस्पिटल है, एक्सीडेंट इतने होते हैं वहाँ कुछ नहीं, उनको रेफर करना पड़ता है डोडा। लिहाजा इन चीज़ों को देखा जाए और फार फ्लांग एरियाज की तरह बिल्कुल तवज्जा नहीं दी जा रही है। मेरी मौजूदाना गुजारिश है गवर्नर साहब से, एडवाइज़र से और चीफ सेक्रेटरी से, खसूसी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, कि इन तमाम चीज़ों को मदद और यहाँ टूर किया जाए, देखा जाए कि यहाँ इन एरियाज़ में क्या हालात है, लोग किन परेशानी में मुबतला है। बहुत बहुत